वेलकम बैक स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर टू. क्लियर? आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर टू के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चैप्टर टू क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. क्लियर? सो बेटा, इन लास्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड में जो होते हैं कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो कंपोनेंट्स हो गए हमारे. क्लियर? और उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सी हियर, न्यूट्रिएंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, यानी फूड में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज न्यूट्रिएंट्स. और यही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हम लोग ये भी कहते हैं कि फूड हमें क्या देता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. क्लियर? अब न्यूट्रिशन, ये वर्ड आया है हमारा न्यूट्रिएंट्स से. क्लियर? कि न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट किस में होते हैं, तो फूड में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर रहेगा? नाउ सी, न्यूट्रिएंट्स को जो है बेटा हम लोग क्लासिफाई करते हैं वेरियस पार्ट्स में. मेनली हम 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स. ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं बेटा ये, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. एंड बेटा हमारी बॉडी के लिए वाटर और रफेज भी जरूरी होता है. क्लियर? सो हम इसे भी क्या कहते हैं, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. गॉट इट? एंड दीज ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये सभी प्रॉपर रेशियो में रिक्वायर्ड है. क्लियर? क्योंकि अगर इनमें से कोई एक हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, किसी एक की कमी हो जाती है बेटा, तो हमारी बॉडी क्या है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी. ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ेंगे इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इन कंपोनेंट्स के बारे में, एक एक करके. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. लेट्स सी, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेटा, मेनली जो शुगर और स्टार्च होते हैं. ठीक है, यानी ये हमको मिलते हैं शुगर और स्टार्च के फॉर्म में. क्लियर? दे गिव अस क्विक एनर्जी, यानी कि ये हमको क्या करते हैं, शुगर और स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? अब बेटा यहाँ पे दो चीज़ें, एक शुगर है और एक स्टार्च है, तो दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमने ये पाया कि जो स्टार्च है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते तो हैं लेकिन शुगर से स्लो करते हैं. मीन्स शुगर और स्टार्च में भी कंपेयर किया गया कि दोनों में से कौन सबसे तेज़ी से हमें फास्टली इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या होगा, हमारा शुगर होगा. क्लियर? नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हियर, लाइक राइस, वीट, पोटैटो, शुगर. फ्रॉम हियर वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इन फूड आइटम्स से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. क्लियर? नाउ सी, यदि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं, तब तो ठीक है, वो कंज्यूम हो जाएगा. लेकिन यदि कंजप्शन के बाद कुछ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बच जाता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट के फॉर्म में बेटा स्टोर हो जाता है. क्लियर रहेगा? फैट के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, अबाउट फैट्स. फैट्स के बारे में हम जानते हैं, फैट्स को बेटा हम लोग बुलाते हैं एनर्जी स्टोर ऑफ अवर बॉडी. क्यों बुलाते हैं बेटा, क्योंकि जो फैट होता है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है
जैसा कि हमने यहाँ भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में फूड की शॉर्टेज होती है, एनर्जी की शॉर्टेज होती है, तो हमारी बॉडी कौन सा एनर्जी यूज़ करती है? एनर्जी दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय फैट्स। क्लियर? जो एनर्जी फैट से प्रोवाइड होगी वही हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। फिर क्लियर रहेगा इतना? नेक्स्ट, फैट्स स्टोर्ड कहाँ होते हैं बेटा? फैट्स आर स्टोर्ड अंडर स्किन, यानी हमारे स्किन के नीचे, या फिर अराउंड हार्ट एंड किडनीज। ये फैट्स के स्टोर होने की एरिया है कि ये यहीं पे मोस्टली जो है फैट्स अंडर द स्किन और अराउंड हार्ट एंड किडनीज ये स्टोर हो जाते हैं। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, इट कंटेन्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फैट्स जो होते हैं बेटा ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं। एंड दे कीप अस वार्म, यानी ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। और बेटा हम बात करें कि ये हमको मिलते किससे हैं, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? प्लांट्स की बात करें तो जो ऑयल के फॉर्म में मिलता है, यानी ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। क्लियर? एंड एनिमल्स की बात करें तो लाइक बटर हो गया, घी हो गया, इन दीज फॉर्म्स। गॉट इट? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। क्लियर? हम जो रेस्ट हमारे बचे हुए हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।